लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। राधिका तनवीर के घर में बहुत खुश थी। उसे किसी भी चीज में कोई कमी नहीं थी। ऊपर से इतनी अच्छी दादी सास जो उसे अपनी खुद की पोती जितना प्यार देती थी। तनवीर भी राधिका से बहुत प्यार करता था। लगता है जैसे राधिका के नसीब में भगवान खुशी भर भर के लिख दिए थे। फिर एक दिन, राधिका, राधिका। हाँ जी, बोलो, क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक क्लब में पार्टी अटेंड करना है। ओके, पर अचानक से मेरा मन नहीं है। अरे चलो ना तुम, प्लीज। किसी एक क्लब में पार्टी अटेंड करने तनवीर और राधिका थोड़ी देर में निकल गए, और राधिका ठीक वैसे ही ड्रेसअप की जैसे तनवीर चाहता था, एकदम मॉडर्न और सेक्सी लुक। हेलो मिस्टर बजाज, नाइस टू मीट यू। हेलो। पार्टी में पहुंचते ही तनवीर को काफी सारे लोग घेर लिए, क्योंकि वो तो था ही जाना माना बिजनेसमैन। अब राधिका उस भीड़ में भी बहुत अकेली पड़ गई थी। उसके लिए ऐसी लेविश पार्टी, डिस्को, ड्रिंक्स, डांस, सब कुछ नया था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, और तभी उसकी नजर पड़ी दूर दोस्तों के साथ डांस कर रही अपनी छोटी बहन मुस्कान के ऊपर। मुस्कान? राधिका सीधा अपनी बहन के पास चली गई। मुस्कान, तू? दीदी, तुम और यहाँ पे? अरे मैं कहाँ ऐसी जगह पे जाती हूँ, तेरे जीजू मुझे लेकर आए हैं। ओ वाओ, जीजू भी आए हैं, फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे दीदी, तुम्हें मैं पहली बार ऐसे कपड़ों में देख रही हूँ, क्या इसे भी जीजू ने? हाँ और कौन, जीजू ही लाए हैं और जबरदस्ती मुझे पहनाए हैं। ओ वाओ, सो रोमांटिक। राधिका क्लब में अपने बहन से मिलने के बाद वहाँ पे खूब एंजॉय की। मुस्कान के लिए ऐसी पार्टीज अटेंड करना एकदम आम बात थी। वो कॉलेज के बहाने यही सब तो करती रहती थी। आज भी वो नशे में टल्ली होकर लड़खड़ाई चलने लगी। मुस्कान, तू ऐसी हालत में घर कैसे जाएगी? चल हमारे साथ, हमारे घर पे चल। दीदी, मुझे आदत है इस सब की, डोंट वरी, मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे इस हालत में जाने नहीं दूंगी। आप कुछ बोलिए ना। हाँ मुस्कान, तुम्हारी दीदी एकदम सही बोल रही है, चलो तुम आज हमारे घर पे चलो। ठीक है, अब जीजू बोल रहे हैं तो जाना पड़ेगा ही। उस रात मुस्कान अपनी दीदी जीजू के घर में बड़े आराम से सो गई, और सुबह होते ही, राधिका, मैंने तनवीर से सुना था कि तुम्हारी माँ और बहन सौतेली है। हाँ दादी, सौतेली है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बेटी, तुम बहुत भोली हो, अगर तुमसे इतना ही प्यार करते हैं तो तुम्हारे शादी में तुम्हारा सौदा क्यों किए? दादी वो तो बस। आंखें खोलो राधिका, और कल रात को जिस हालत में अपनी बहन को यहाँ पे लेकर आई हो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसीलिए उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ और उसे खिला पिला के हमारे ड्राइवर के साथ उनके घर वापस भेज दो। दादी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो मेरी बहन है, वो बच्ची है, अभी दोस्तों के साथ मिलके थोड़ा नशा कर ली है,
मैं उसे समझाऊंगी कि आइंदा ऐसा कभी ना करे। अरे पगली, बात नशा करने की नहीं है, पर इस हालत में वो कुछ भी कर सकती है और करवा भी सकती है। तनवीर को उससे दूर रखना। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन दोनों की नियत सही नहीं लगती मुझे। दीदी, मुस्कान टूट गई, नींद पूरी हुई ना? दीदी, तुम्हारे घर में इतने मुलायम गद्दे पे सोने के बाद किसको नींद नहीं होगी? हाँ, मैं तो बड़े आराम से सो गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। एक बात बोलूं दीदी, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, घर पे सारे इम्पोर्टेड डेकोर भी भरे हुए हैं। तुम्हारा कपबोर्ड देखा मैंने, कितने ब्रांडेड कपड़े हैं दीदी। ऊपर से जीजू जितना प्यार करने वाला पति। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई है। काश मुझे भी ऐसे ही घर मिल जाता। राधिका, मुस्कान के लिए नाश्ता लगाओ, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, इसे घर छोड़ आएगा। तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी, जवान बेटी को रात में ऐसे बाहर नहीं रुकना चाहिए। नहीं दादी, मुझे नहीं जाना आज, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, एक हफ्ते तो रह के ही जाऊंगी। ठीक है मुस्कान, अगली बार रहना, इस बार नहीं। चलो अब जल्दी से खा पी कर तैयार हो जाओ। राधिका को बहुत मन था कि वो अपनी छोटी बहन को पास रखे, और मुस्कान तो वहां से जाने को एकदम नहीं चाहती थी। फिर भी दादी की बात मानकर दोनों को चुप रहना पड़ा। थोड़ी देर में मुस्कान अपनी घर चली गई। माँ, तुम्हें पता है उसका कितना बड़ा बंगला है, गार्डन, लॉन, स्विमिंग पूल, वाव, लगता था जैसे किसी रिजोर्ट में रुकी हूँ। और तनवीर, वो तुमसे बात करता है ना? नहीं माँ, वो तो दीदी के अलावा और किसी के साथ भी बात नहीं करते, हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। अगली बार जाओगी तो एक दिन में वापस मत आ जाना, एक महीना रुकना वहाँ पे, तनवीर के साथ बातचीत करना, समझ गई? लाइफ का इतना मजा दीदी अकेली क्यों लूटेगी, मैं भी वहाँ पे आ रही हूँ, जल्दी। राधिका अपने ससुराल में बहुत अच्छे से थी, पर यहाँ पे मुस्कान और उसकी माँ उसके साथ जब भी बात करते थे, हमेशा कोशिश करते रहते थे कि वो उन्हें अपने घर पे बुलाए। पर राधिका को दादी से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि वो ना तो अपनी सौतेली माँ और ना ही बहन किसी को यहाँ पे नहीं बुला सकती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पता चला कि राधिका प्रेग्नेंट है। तनवीर और दादी दोनों की खुशी में कोई सीमा नहीं रही। पर जब ये बात राधिका की सौतेली माँ तक पहुंची, माँ आप ऐसे अचानक से आ गई? मैं क्या करती राधिका, तुम्हारे बच्चे होने की बात सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मुस्कान के साथ सीधा यहाँ पे पहुँच गई। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारे यहाँ राधिका की देखभाल करने बहुत लोग हैं, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी आप एकदम सही बोल रही हैं, पर इस वक्त अपने मायके से कोई तो होना चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके, खुल के हंसी मजाक कर सके, तभी तो होने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा होगा। नहीं माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, दादी है ना मेरे पास, आप दोनों बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं दीदी, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, आज से मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बोल देना। तनवीर की दादी और राधिका दोनों बहुत कोशिश किए मुस्कान और उसकी माँ को वहाँ से भगा देने की, पर वो दोनों भी सही जवाब देकर मुंह बंद करने में बड़े माहिर थे। फिर राधिका की सौतेली माँ तो चली गई, पर मुस्कान को छोड़ गई तनवीर के बंगले में। इसके आगे क्या होने वाला है
ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।